हाय गाइस, मैं श्वेता राणा स्वागत करती हूँ आपका बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को जनरल करेक्टर्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग को जो है कम्प्लीटली समझा दिया था, जिसे मैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके लोगों के लिए रिवाइज करा देती हूँ। जो बच्चे न्यू हैं इस वीडियो में, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू ऐड हो रहे हैं, तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप इससे पहले वाला जो लेक्चर है फ्रॉग का वो देख लीजिए, ठीक है। उसे आप देखेंगे तो आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग जो है डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले थे एनाटॉमी पढ़ने वाले, तो हम वही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, ठीक है। एक क्विक सा रिवीजन मैं आप लोगों को करा देती हूँ जनरल करेक्टर्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग की। मैंने आप लोगों को बताया था जो फ्रॉग होते हैं वो एम्फीबियंस के जो है एनिमल्स होते हैं, लैंड और वाटर दोनों ही प्लेसिस पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रॉग्स होते हैं वो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, डैट मीन्स उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है और वो अपनी बॉडी के जो कलर है उसे चेंज कर सकते हैं अपनी एनेमीज से प्रोटेक्शन के लिए। तो दिस टाइप का जो फिनोमेनॉन था फ्रॉग के अंदर, उसे हमने बोला था कैमोफ्लेज, और जो ये टैलेंट था या जो क्वालिटी थी उसको हमने बोला था मिमिक्री, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड वाले रीजन में और ट्रंक वाले रीजन में। अब जो हेड वाला रीजन होता है उसमें वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट होती हैं और वन पेयर ऑफ टिम्फेनम प्रेजेंट होते हैं। टिम्फेनम आर ऑल्सो नोन एज ईयर्स, ठीक है। ईयर्स को हम फ्रॉग के अंदर टिम्फेनम कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आइज के बारे में एक बेसिक सा करेक्टर बताया था आप लोगों को कि जो आइज होती हैं फ्रॉग्स की उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो फ्रॉग को डस्ट से और सॉयल से और सॉयल पार्टिकल से और वाटर में है तो वाटर से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉग की आइज को, ठीक। फ्रॉग का जो ट्रंक वाला जो रीजन होता है, जो भाग होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड एरिया होता है, उसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स मैंने आप लोगों को बताया था कि उसे हम टू पार्ट्स में क्या है डिवाइड कर सकते हैं, फोर लिम्स और हिंड लिम्स में। जो फोर लिम्स होते हैं उनमें फोर फिंगर्स होती हैं या फोर डिजिट्स होती हैं और जो हिंड लिम्स होते हैं उनमें फाइव फिंगर या फाइव डिजिट्स होती हैं। दोनों ही टाइप के जो लिम्स होते हैं वो जंपिंग में, क्लाइंबिंग में, वॉकिंग में, रनिंग में, इन सब में क्या है कॉकरोच को हेल्प करते हैं। अब मैंने आप लोगों को यदि याद हो तो लास्ट जो मैंने स्टेटमेंट में कंप्लीट किया था अपना लास्ट वीडियो, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमें कैसे पता चले कि मेल फ्रॉग कौन सा है और फीमेल फ्रॉग कौन सा है। देखिए, मेल फ्रॉग की जो एक्सटर्नल जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेल फ्रॉग के जो फोर लिम्स होते हैं उसमें जो पहली फिंगर होती है इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले एरिए पे एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। एक तो ये पहचान बताई थी, एक दूसरी पहचान ये है कि जो मेल फ्रॉग होते हैं उनके जो ट्रेकिया वाला रीजन होता है उसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, हालांकि फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फीमेल के अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है वो ज़्यादा क्या है, वेल डेवलप नहीं होता। लेकिन यदि आप लोगों ने कभी मेंढक की आवाज़ सुनी हो तो वो टर 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 ऐसे करता रहता है, तो जो टर टर करता है ना वो अपने वोकल कॉर्ड की वजह से करता है। तो ये जो करैक्टर पाया जाता है ये भी किसके अंदर पाया जाता है, मेल फ्रॉग के अंदर पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी मेंढक को देख रहे हैं अपने सामने और यदि उसके मुंह से आपको टर टर की आवाज आ रही है तो आप लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कैसा फ्रॉग है, उसका जेंडर क्या है, उसका मेल जेंडर होगा, मतलब मेल फ्रॉग होगा, तो ठीक है। ये सब हो गया उसके मॉर्फोलॉजी एंड जनरल करेक्टर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसके डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमने सेम कॉकरोच में डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पे सबसे बेसिक सा जो सिस्टम है वो पहले लेने चाहूँगी, जिसमें आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए बच्चों, जो फ्रॉग होता है वो बहुत सारे करेक्टर्स में रिजेंबल करता है ह्यूमन बींग से, तो इसका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसके बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो रिलेट करेगा ह्यूमन बींग से, लेकिन थोड़ा वो जो है डिफरेंस जो है हमें ह्यूमन बींग और फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है।
है वो मैं आप लोगों को टॉपिक के साथ साथ क्या है बताती चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, डाइजेस्टिव सिस्टम इनसाइड द फ्रॉग। ठीक, अब किसी भी एनिमल की बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होती है उसकी एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है उसके अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब होता क्या है कि जो यदि हम ह्यूमन बींग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉग जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग होती हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो कॉर्निवोरस नेचर के होते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं, कॉर्निवोरस नेचर के होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि फ्रॉग के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कॉर्निवोरस नेचर के होते हैं। जिस वजह से इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो शॉर्ट होगी, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे लाइक डैट ईजोफेगस है, फेरिंग्स है, या आपका इंटेस्टाइन वाला एरिया है, वो सभी क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन प्रेजेंट सभी पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में वैसे तो हम लोग लीवर भी पढ़ेंगे, पैनक्रियाज भी पढ़ेंगे, तो लेकिन इनका सबका फंक्शन सेम होगा जैसे कि ह्यूमन बींग के अंदर होता है। मैंने बताया ना कि जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे फ्रॉग के अंदर ह्यूमन बींग के सिस्टम से। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ ड्रॉ किया है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या है रिप्रेजेंट करेगा इनसाइड दी फ्रॉग के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको पार्ट्स जो बताती जाऊँगी वैसे वैसे डायग्राम को लेबल करती जाऊँगी। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की, क्योंकि नॉर्मल सी बात है किसी भी एनिमल की यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सभी टाइप के एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। हमने कॉकरोच में जब डिस्कशन किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो उसमें भी माउथ से शुरू हुआ था। तो जो फ्रॉग होगा उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है। माउथ से भी फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स फिर ईजोफेगस, ईजोफेगस स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर देन जो उसका एस्क्रेटरी पार्ट होगा उसके द्वारा जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जो माउथ होता है, किसका, फ्रॉग का, माउथ में प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट होंगे मतलब जबड़े प्रेजेंट होंगे उसमें टंग प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है फ्रॉग के टंग में। ठीक है, फ्रॉग का जो माउथ होता है और उसमें जो टंग होती है वो कैसी होती है, बायलॉब्ड होती है, बायलॉब्ड टंग होती है। ध्यान रखिएगा, फ्रॉग के माउथ में जो टंग होती है वो बायलॉब्ड टंग होती है, बायलॉब्ड टंग होती है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, बायलॉब्ड टंग है। ठीक है, और ये क्या है, इसका माउथ है। ठीक है, ये क्या है, इसका माउथ है। ठीक, अब जो इसकी टंग जो होती है वो स्टिकी नेचर की होती है। स्टिकी नेचर का मतलब ऐसा है कि ये जब जो फ्रॉग होता है, जब वो किसी इंसेक्ट को क्या करता है, इनटेक करता है, या किसी भी फूड को क्या करता है, इनटेक करता है, तो कोई भी एनिमल को जब ये खाता है तो वो उसकी जीभ में आके जाए चिपक जाता है। यदि आपने इसको फीड करते हुए देखा हो या किसी बुक वगैरह में देखा हो तो जब इसकी टंग को आप देखें, जब इसकी टंग निकालता है ना बाहर की इस तरीके से, सपोज डैट कि जैसे ये इसका क्या हो गया, माउथ हो गया, और माउथ वाले रीजन में हमने किसकी बात करी है, टंग की बात करी है, कैसी होती है, बायलॉब्ड होती है। तो जब ये टंग को निकालेगा ना अपनी, तो सपोज डैट कि ये कोई एनिमल है तो ये क्या करेगा, इसकी टंग पे आकर क्या है, चिपक जाता है। वो किसकी वजह से चिपक जाता है, क्योंकि फ्रॉग की जो टंग होती है वो स्टिकी नेचर की होती है, थोड़ी क्या है, लसलसी सी होती है, चिपचिपी सी होती है, जिस वजह से जो एनिमल्स को जब भी ये इंटेक करता है, कॉर्निवोरस है तो नॉर्मल सी बात है क्या है, किसी न किसी एनिमल्स को ही इंटेक करेगा, इसका जो फूड होगा वो क्या होगा, कोई मांस ही होगा ना। तो जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ग्रास होपर्स है, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो खेत वगैरह में क्या है घूमते रहते हैं, तो उन सभी को ये क्या करता है, खाता है। तो जीभ कैसी है माउथ में, बायलॉब्ड है, स्टिकी नेचर की है,
जो एनिमल्स कोई जिसको भी ये इंटेक करता है वो क्या करता है, उसकी जीभ पर आकर चिपक जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी माउथ की बात, कि माउथ में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है। और टंग कैसी होती है, स्टिकी नेचर की होती है, स्टिकी नेचर की होती है, यानी कि कोई भी जो इंसेक्ट्स होगा, इंसेक्ट कोई भी होगा, वो क्या करेगा, चिपक जाएगा इसकी टंग पे आकर, इसकी टंग पे आकर। ठीक है, अब देखिए जो माउथ है, वो नीचे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्या है, कनेक्ट होता है, या तो कनेक्ट कह लीजिए या आप ऐसे कह सकते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। दिस इज नोन एज फेरिंग्स। ठीक है, दिस इज नोन एज फेरिंग्स। जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, ओपन होता है, इसे फेरिंग्स कहते हैं। अब ये फेरिंग्स जो है नीचे की तरफ जाकर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है, दिस इज नोन एज ईजोफेगस। ईजोफेगस, ठीक है, ईजोफेगस और फेरिंग्स, इनका कोई बेसिकली फंक्शन नहीं होता है इनसाइड दी फ्रॉग। बस इनका फंक्शन क्या होता है कि जब माउथ में क्या है कोई भी फूड पार्टिकल्स आ जाता है, तो ये आए हुए फूड पार्टिकल्स को फेरिंग्स और ईजोफेगस कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके स्टमक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ जो बेसिक रूप से जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है किस में, फ्रॉग के स्टमक में आके। ठीक है, फ्रॉग के स्टमक में आकर अब हम लोगों को ये जानना है कि स्टमक के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, या कौन से ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो इसका स्टमक होता है आप लोग देख सकते हैं कुछ क्या है, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, किसमें, ईजोफेगस जो है नीचे की तरफ एक ओवल शेप स्ट्रक्चर से क्या कनेक्ट होता है, या एक ओवल शेप स्ट्रक्चर में क्या है, ओपन होता है, दिस इज नोन एज स्टमक। ठीक है, स्टमक। अब होता क्या है, स्टमक में स्टमक से सिक्रेट होता है एक तो एससीएल और एक गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, एक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है और एक एससीएल सिक्रेट होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टमक के अंदर एससीएल और गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है जो आए हुए फूड का क्या करता है, डाइजेशन कर देता है, जो आए हुए फूड पार्टिकल्स का क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है। गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आए हुए प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे, लेकिन जो एससीएल होता है, एक तो HCl है तो उसमें H पॉजिटिव प्रेजेंट है, यानी कि वो एसिडिक नेचर का है, तो जो भी फूड पार्टिकल्स होगा वो उसके नेचर को कैसा कर देता है, एसिडिक नेचर का कर देता है, अम्लीय बना देता है। इसके साथ किसी भी, जैसे कोई भी फूड पार्टिकल्स वो इनटेक कर रहा है फ्रॉग, और उस फूड पार्टिकल्स के साथ कुछ ऐसे जर्म्स आ गए हैं या कुछ ऐसे क्या है कीड़े मकोड़े आ गए हैं जो फ्रॉग की बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल हैं, तो HCl क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, तो वो क्या कर देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं। आए हुए फूड पार्टिकल्स में यदि कोई जर्म्स आ जाते हैं या कोई ऐसा हार्मफुल फूड पार्टिकल्स आ जाता है जो कि फ्रॉग की बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, फ्रॉग की बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो जो HCl होता है वो उसको किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसका डाइजेशन करते हैं, फूड में प्रोटीन का डाइजेशन जो है शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जब फूड का जो है डाइजेशन स्टमक में हो जाता है तो जो फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, चाइम के अंदर। ठीक है, चाइम के अंदर, CHYME, चाइम के अंदर। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो फूड है वो डाइजेस्ट होकर, जो डाइजेस्ट हो जाता है वो तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो फूड बचा, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा किसके अंदर, स्टमक के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, चाइम की फॉर्म में होता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड किसकी फॉर्म में होता है, चाइम की फॉर्म में होता है, किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर। अब जो स्टमक है वो नीचे की तरफ एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, दिस इज नोन एज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आप लोग यदि याद करिए, आप लोगों ने यदि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ह्यूमन बींग का, या कभी देखा है 10th में भी यदि पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होगा जो ह्यूमन बींग की जो इंटेस्टाइन होती है वो टू पार्ट्स में क्या है, डिवाइड होती है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी अपने 3 पार्ट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अपने 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को जैसे डुओडेनियम, जेजुनम, कोलन, रेक्टम, फलाना, ढिमकाना, ये सब क्या है, ये होते हैं ह्यूमन बींग की इंटेस्टाइन के पार्ट। लेकिन फ्रॉग के केस में जो इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है, मैंने बताया ना कि जो फ्रॉग है वो कॉर्निवोरस एनिमल है, तो इसके जो है फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए इतने चौड़े लंबे ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या इतने खास डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से जो इसके एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट हो जाती है। अब एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट हो गई तो डेफिनेटली सी बात है कि इसके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे वो भी शॉर्ट हो जाएंगे, तो
इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो भी कैसी होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट होती है, और इंटेस्टाइन जो है वो डिफरेंट पार्ट में जो है डिवाइड नहीं होती, केवल इकलौता पार्ट जो है इंटेस्टाइन को यहाँ रिप्रेजेंट करता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ये किसका पार्ट है? इसका इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये सबसे क्या है, पहला पार्ट ही होगा इंटेस्टाइन का, जिसे हम बोलेंगे ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम बोलेंगे। अब देखिए, जो हमारा चाइम था वो कैसा था, अनडाइजेस्टेड फूड था, अनडाइजेस्टेड फूड था। अब वो किस में ट्रांसफर कर देता है, वो आ जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में भी किस में आ जाता है, उसके ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब हमको जानना है कि अब ड्यूडेनम में ऐसी कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड जो आया जो क्या करता है उसके अंदर प्रोसेस करेगा, मतलब जो फूड रह गया है अनडाइजेस्टेड फूड में भी कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होंगे जो फ्रॉग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनका डाइजेशन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका इंटेस्टाइन वाली ट्यूब होती है उससे क्या है, एक और ट्यूब अटैच होती है, इसकी जो इंटेस्टाइन वाली ट्यूब होती है उससे एक और ट्यूब अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ ही मैं आप लोगों को इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ाती हूँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ाती हूँ, जो होते हैं लीवर और होता है पैनक्रियास, पैनक्रियास। ठीक है, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज पैनक्रियास। ठीक है, अब देखिए लीवर को देखिए। सबसे पहले तो फेरिंग से वन पेयर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं जिसे हम बोलते हैं लीवर। ठीक, और इसी के साथ नीचे की तरफ देखिए पैनक्रियास प्रेजेंट होता है, लीवर भी किसके अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर भी प्रेजेंट होगा और पैनक्रियास भी ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होता है। दोनों का फंक्शन क्या होता है, दोनों का फंक्शन क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में बताइए। दोनों का फंक्शन ये होता है कि जो लीवर होता है वो सीक्रेट करता है बाइल जूस, बाइल जूस। ठीक है, लीवर जो सीक्रेट करता है क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, और जो पैनक्रियाज है वो सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। अब हमको ये जानना है कि अब जो लीवर है भाई वो तो दूर है किससे, इंटेस्टाइन से दूर है, क्योंकि अब फूड पार्टिकल्स हमने कहाँ पढ़ा, जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो चाइम की फॉर्म में किस में एंट्री कर चुका है, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में एंट्री कर चुका है, और लीवर का लीवर कहाँ है, वो फेरिंग्स वाले पोर्शन के पास अटैच है। तो होता क्या है कि जो लीवर जब जूस को क्या है सिक्रेट कर देता है, बाइल जूस को सिक्रेट कर देता है, तो बाइल जूस जो है वो कलेक्ट हो जाता है गॉल ब्लैडर में आके। ठीक है, गॉल ब्लैडर में आके जो बाइल जूस है क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, इनसाइड याद रखना कि यदि सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस पूछा जाए तो वो होता है लीवर का फंक्शन। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग हो चाहे वो फ्रॉग हो। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि स्टोरेज ऑफ बाइल जूस कहाँ होता है, तो वो गॉल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। अब ध्यान से देखिए, जो इसका गॉल ब्लैडर वाला एरिया है वो भी नीचे की तरफ एक ट्यूब से अटैच है, और जो इसका पैनक्रियाज वाला एरिया है उसकी भी एक नीचे की तरफ ट्यूब जा रही है, और दोनों ही के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक कॉमन ट्यूब से जो है अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कॉमन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉमन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो ऑर्गन्स को आपस में एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से, गॉल ब्लैडर को और पैनक्रियाज को, गॉल ब्लैडर को और पैनक्रियाज को। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। आया आप लोगों को समझ? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि गॉल ब्लडर और पैनक्रियास और लीवर तीन चीज़ हमारे जो है हमारे पास है किसके, फ्रॉग के इंटेस्टाइन में, सॉरी फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, लीवर का फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। ठीक है, गॉल ब्लडर का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, और पैनक्रियास का फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, अब ये तीनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, ये अलग हैं, पैनक्रियास से भी अलग हैं, ईजोफेगस से भी अलग हैं, स्टमक से भी अलग हैं। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब कनेक्शन होगा ना कि वो इंटेस्टाइन में आए हुए अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। तो होता क्या है कि जो लीवर है जब वो बाइल जूस का सिक्रेशन कर देता है तो जो बाइल जूस है वो जाकर स्टोर हो जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है, बाइल जूस स्टोर हो गया। और जो पैनक्रियास होता है
है वो सीक्रेट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस। अब आप देखिए कि पैनक्रियास की जो ट्यूब लाइक मतलब नलिका होती है, जो ट्यूब होती है, और गोल ब्लैडर की जो ट्यूब होती है, वो दोनों एक जंक्शन पर क्या है अटैच होकर एक कॉमन डक्ट की सहायता से किस में ओपन हो रही हैं, इंटेस्टाइन में ओपन हो रही है, या मैं कह सकती हूँ कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में ओपन हो रही हैं। किसकी सहायता से? कॉमन बाइल डक्ट की सहायता से। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो भी किस में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया है, और जो बाइल जूस जो गोल ब्लडर में क्या है कलेक्ट था या स्टोर था वो भी किस में चला गया है, इंटेस्टाइन में चला गया है, इंटेस्टाइन में चला गया है। तो अब देखिए, अब जो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं डाइजेशन करते हैं किसका, प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट का। आई बात समझ? क्या बात समझ में आई? देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ कि पैनक्रियाटिक जूस जो कि सिक्रेट हुआ पैनक्रियास से, और बाइल जूस जो कि स्टोर था गोल ब्लडर में, वो दोनों ही कहाँ चले जाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट की सहायता से, कॉमन बाइल डक्ट की सहायता से दोनों ही कहाँ चले जाते हैं, इंटेस्टाइन के ड्यूडोनियम वाले पार्ट में, ड्यूडोनियम वाले पार्ट में। अब होता क्या है कि पैनक्रियाटिक में जूस में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि डाइजेशन कर देते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। और बाइल जूस की यदि हम बात करें तो बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है, जो बाइल जूस होता है वो इमल्सिफिकेशन कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है किसका, फैट का क्या कर देता है, वो इमल्सिफिकेशन कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है और कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में। ये सब चीज़ें ना यहाँ पर जो मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें पूरा प्रोसेस ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें जाननी है। जब हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, जब हम वहाँ स्टडी करेंगे ह्यूमन बींग के, तब आप लोगों को वहाँ मैं अच्छे से बताऊँगी कि इमल्सिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसा हो रहा है, पैनक्रियाटिक जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें हम उस चैप्टर में क्या है डिस्कस करेंगे। यहाँ तो बस आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट हो रहा है, पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन करते हैं किसका, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, बाइल जूस क्या करते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन कर देते हैं और फैट को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में। पर ये दोनों प्रोसेस हो कहाँ रहा है बच्चों? ये दोनों प्रोसेस हो रहा है इंटेस्टाइन के ड्यूडोनम वाले पार्ट में, ड्यूडोनम वाले पार्ट में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ड्यूडोनम में जो चाइम अनडाइजेस्टेड फूड आता है उसमें जाकर जो पैनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल जूस है वो क्या कर देते हैं, मिक्स हो जाते हैं, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के, और क्या कर देते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, इमल्सिफिकेशन कर देते हैं। अब होता क्या है, अब जो फूड है वो आगे धीरे धीरे क्या करेगा, इंटेस्टाइन की बाकी के ट्यूब में क्या है ट्रांसफर होता रहेगा। तो अब धीरे धीरे इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, क्या शुरू हो जाता है, अवशोषण की क्रिया, ठीक है, याद रखना। पूछा जाए कि फ्रॉग के अंदर या ऑल्सो ह्यूमन बींग के अंदर जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, वो इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होता है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो याद रखना कि जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नोन एज विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है, क्या बोलेंगे, विलाई एंड माइक्रोविलाई, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, फिंगर लाइक इस तरीके से, ये फिंगर लाइक क्या है स्ट्रक्चर्स होते हैं किस में, इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, इस तरफ यहाँ पे इंटेस्टाइन की इनर वॉल में क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें विलाई या माइक्रोविलाई बोलते हैं, जिनकी सहायता से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड पार्ट, डाइजेस्टेड जो
डाइजेस्टिव जो फूड होता है उसमें से जो फूड पार्टिकल्स फ्रॉग की बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ये माइक्रोवलाई क्या कर लेती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं एंड देन वो बॉडी पार्ट्स में जो है उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसके, फ्रॉग के। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो किस में एंट्री कर देता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंट्री कर देता है किस में, रेक्टम में। रेक्टम में बच्चों, किस में एंट्री कर देता है, रेक्टम में एंट्री कर देता है। और रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो इसके किसकी किस में कलेक्ट होता रहता है, क्लोएका में। क्लोएका में ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्लोएका, वो ह्यूमन बींग की एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए, अब तक तो हम लोग जो जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, माउथ पढ़े, फेरिंग्स पढ़े, इसोफेगस पढ़े, या स्टमक पढ़े, या इंटेस्टाइन पढ़े, लीवर पढ़ें, पैनक्रियास पढ़ें, ये सब तो हम लोग ह्यूमन बींग में पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने ह्यूमन बींग के एलिमेंट्री कैनाल में या ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लोएका नाम का कोई शब्द सुना है? नहीं। तो यही डिफरेंस होता है, यही अंतर होता है ह्यूमन बींग की एलिमेंट्री कैनाल में और फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल में। फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल में जो स्टोरेज होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का या फिकस मटेरियल का, वो किस में होता है, क्लोएका में होता है, क्लोएका में होता है। लेकिन यदि हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो फिकस मटेरियल होता है, वो कहाँ कलेक्ट होता है, उसके रेक्टम वाले पार्ट में। ठीक है, इतना चीज़ आप लोगों को याद रखनी है क्लोएका में। अब देखिए, जब हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ कि इसी क्लोएका वाले रीजन से देखिए कुछ ग्लैंड्स, कुछ और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से अटैच होते हैं। यदि हम मेल की बात करें तो मेल में जो जो यूरिनरी जो प्रोडक्ट होते हैं, यूरिनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि उसकी बॉडी के लिए, फ्रॉग की बॉडी के लिए कैसे होते हैं, विषैले होते हैं, वो भी किस में, क्लोएका में ही कलेक्ट होते रहते हैं। इसके साथ साथ उसके अंदर जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी क्लोएका में ही जो है कलेक्ट होते रहते हैं। लेकिन फीमेल में ओवम का जो कलेक्शन है, वो भी किस में होता है, क्लोएका में ही होता है। लेकिन मेल के अंदर स्पर्म्स का कलेक्शन हो, चाहे उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जो है कलेक्शन हो, वो दोनों का कलेक्शन क्लोएका में एक ही ट्यूब से होता है। लेकिन फीमेल में ओवम के एंट्री के लिए और क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एंट्री के लिए दो अलग अलग ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। खैर, ये तो मैं आप लोगों को वहीं बताती हूँ, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये यहाँ पे बताना चाहती थी कि जो क्लोएका वाला जो पार्ट होता है ना एलिमेंट्री कैनाल का, इनसाइड दी फ्रॉग, बहुत ही जिसे कहते हैं गंदे वाला पार्ट होता है, क्योंकि सारा जो वेस्टेज होता है फ्रॉग की बॉडी का, चाहे वो क्या कहते हैं उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे वो उसके फिकस मटेरियल की बात हो, चाहे वो उसकी बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की बात हो, उन सबका कलेक्शन कहाँ होता है, क्लोएका में होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना कि फ्रॉग की बॉडी में जो वेस्टेज का, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उसकी बॉडी के, या जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे, उन सबका कलेक्शन कहाँ होता है, स्टोरेज कहाँ होता है, किसके अंदर होता है, क्लोएका के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों, क्लोएका के अंदर होता है। तो क्लोएका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, या स्टोरेज ऑफ फिकस मटेरियल, या स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सभी के लिए जो क्लोएका होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ये अपने अंदर सबको स्टोर करके रखता है। और देन जो फिकस मटेरियल होता है वो फ्रॉग की बॉडी से एक क्लोएका एपरेचर की सहायता से क्या है, बॉडी के बाहर एग्जिट कर जाता है। लेकिन यदि हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग में जो फिकस मटेरियल होता है वो किसके थ्रू बॉडी के बाहर एग्जिट करता है, एनस के थ्रू एग्जिट करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन बींग की और किसकी, फ्रॉग की। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा मैंने खिचड़ी तो नहीं पकाई है, कोशिश करा है कि हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इतना कुछ टिपिकल नहीं है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, आप लोग यदि समझेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से यहाँ पे क्या है जल्दी से एक बार पढ़ा देती हूँ, रिविज़न करा देती हूँ आपका, ताकि यदि कोई छूट गया है, कुछ चीज़ छूट गया है, तो वह आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी कि जो फ्रॉग होता है वो कैसे एनिमल होता है, कॉर्निवोरस होता है। ठीक है, मांसाहारी एनिमल होता है, केवल मांस को ही क्या करता है, इनटेक करता है, कहानी नहीं होगा, मतलब घास फूस और तुम्हारी सब्जी वब्जी ये सब चीज़ें वो नहीं खाएगा। ठीक है, अब कार्निवोरस होने की वजह से, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, शॉर्ट होती है, क्योंकि जब वो घास फूस ऐसी कोई चीज़ें खा ही नहीं रहा है तो उसके जो
एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स होते हैं उनकी ज़्यादा लंबे होने की ज़रूरत ही नहीं है, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि वो ज़्यादा वेल डेवलप हों, ये एक फ्रॉक के अंदर ज़रूरी नहीं है। ठीक, अब एलिमेंट्री कैनाल है, नॉर्मल सी बात है, स्टार्ट कहाँ से होगी, माउथ से स्टार्ट होगी और उसका जो एक्सक्रीटरी पोर होगा उस पर जाकर कंप्लीट होगी। अब माउथ जो है उसमें टंग प्रेजेंट होती है, बाइलॉब्ड टंग होती है, स्टिकी नेचर की होती है, मतलब चिपकने वाले नेचर की होती है, जिस वजह से जब भी वो किसी भी इंसेक्ट्स को क्या करता है, इनटेक करता है, तो वो उसकी जीभ में आकर क्या है, चिपक जाता है। ठीक, अब माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन होता है ईजोफेगस में, दोनों का ही फंक्शन क्या है कि फूड पार्टिकल्स जो भी आता है माउथ में उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना, स्टमक में ट्रांसफ़र करना। स्टमक में आकर क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर एससीएल प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस, जो आए हुए फूड पार्टिकल का क्या कर देती है, डाइजेशन करना शुरू कर देती है। जो एससीएल होता है वो क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स आए हैं, यदि कुछ उसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स आ गए हैं जो कि फ्रॉग की बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या किसी भी तरीके का उसकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, एसिडिक नेचर करके, अम्लीय नेचर करके स्टमक का उसको किल कर देते हैं। और इसी के साथ जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चाइम की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, चाइम की फॉर्म में स्टमक से कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देता है। इंटेस्टाइन में केवल एक ही पार्ट यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज़ नोन एज ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम के इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चाइम की फॉर्म में क्या कर देता है, एंट्री कर जाता है। अब ड्यूडेनियम में ही ओपनिंग होती है किसकी, पैनक्रियाज की और किसकी, गॉल ब्लडर की, विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन डक्ट, दिस इज नोन एज बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट एक कॉमन डक्ट होती है जिसकी सहायता से गॉल ब्लडर और पैनक्रियाज क्या है, ओपन होते हैं किसमें, इंटेस्टाइन में। ठीक है, पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लडर्स में स्टोर होता है बाइल जूस, दोनों ही कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाते हैं। बाइल जूस फूड पार्टिकल्स में आए हुए फैट के मॉलिक्यूल्स का इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आए हुए फूड पार्टिकल्स में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देते हैं। अब जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में थोड़ा और आगे की तरफ खिसक कर विलाई और माइक्रोविलाई की सहायता से एब्जॉर्ब करके बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। डैट्स वाई जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रेक्टम में ट्रांसफ़र करते हैं और रेक्टम से होते हुए एक स्ट्रक्चर में क्या है उनका स्टोरेज हो जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका क्या है, क्लोएका एलिमेंट्री कैनाल का एक इम्पोर्टेंट एपरेचर है, इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें स्टोरेज होता रहता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स का और एज वेल एज डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स का इनसाइड दी फ्रॉक, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फिर एक जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स होता है वो फिकस मटेरियल की फॉर्म में कहाँ निकल जाता है, क्लोएकल एपरेचर या क्लोएका एपरेचर की सहायता से बॉडी के बाहर एग्जिट हो जाता है। तो बच्चों यह थी फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की रामकथा। ठीक है, अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या, अब हम डिस्कस करेंगे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। बड़ा ही सिंपल सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई वेल डेवलप इसमें रेस्पिरेटरी जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल सा जो है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो चलिए अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए बच्चों, फ्रॉग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ज़्यादा कुछ वेल डेवलप नहीं होता है, जैसे कि कॉकरोच में भी नहीं था। इसमें हम यदि हम बात करें तो जो वेल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेसिकली टू टाइप का पाया जाता है, एक होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और एक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस टाइप का रेस्पिरेशन होता है वो होता है थ्रू दी बॉडी स्किन। ठीक है, थ्रू दी बॉडी स्किन। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था जो फ्रॉग होता है वो लैंड में भी सर्वाइव करता है और वाटर में भी सर्वाइव करता है। ठीक है, तो लैंड और वाटर दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव करने के बावजूद भी जो रेस्पिरेशन है, जो क्यूटेनियस टाइप का रेस्पिरेशन है, वो कंटिन्यूस इनसाइड दी बॉडी ऑफ फ्रॉग होता रहता है। कहने का मतलब ये है जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो केवल उस कंडीशन में पाया जाता है जब फ्रॉग्स लैंड पर सर्वाइव करते हैं, धरती पर सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो क्यूटेनियस टाइप का रेस्पिरेशन होता है
लेकिन जो क्यूटेनियस टाइप का रेस्पायरेशन होता है, चाहे फ्रॉग लैंड पर हो चाहे फ्रॉग वाटर के अंदर हो, वो कंटिन्यूस फ्रॉग के अंदर होता ही रहता है। किसके थ्रू होता है? उसकी स्किन के थ्रू होता है। मैंने आप लोगों को बताया था जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी कि जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है और नमीयुक्त होती है। तो होता क्या है कि इसकी जो स्किन होती है उसमें एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है कि वो अपनी स्किन की सहायता से क्या करती है, एयर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एयर को एब्जॉर्ब करती है। तो इसी क्वालिटी की वजह से उसकी स्किन में ये क्वालिटी पाई जाती है, जिस वजह से जब चाहे ये लैंड पर हो चाहे ये वाटर के अंदर हो, ये क्या करता है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करता रहता है। यदि वो लैंड पर होगा तो उस केस में जो एनवायरनमेंट की O2 होती है वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है थ्रू द एयर स्किन। लेकिन यदि वो वाटर में होता है, यदि जो फ्रॉग है वाटर में होता है, तो उस केस में जो वाटर में डिजोल्व O2 होती है, जो वाटर में डिजोल्व O2 होती है, ठीक है, वाटर में जो डिजोल्व O2 होती है उसको वो अपनी स्किन के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया उसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। बस आपको दो बातें यहाँ पे याद रखनी है कि क्यूटेनियस रेस्पायरेशन जो है वो फ्रॉग में कंटिन्यूस होता ही रहता है, चाहे वो लैंड पर सर्वाइव करे चाहे वो वाटर में सर्वाइव करे। बस फ़र्क इतना है कि यदि वो वाटर में सर्वाइव करता है और तब उसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पायरेशन हो रहा है, तो वो होता है क्या कहते हैं, वाटर में घुली O2 को एब्जॉर्ब करने से, लेकिन होता है स्किन के द्वारा ही। लेकिन यदि वो लैंड पर सर्वाइव करता है तो उस केस में वो अपनी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरमेंटल O2 को। ठीक है, बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, पल्मोनरी रेस्पायरेशन की, पल्मोनरी रेस्पायरेशन कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स की सहायता से होता है, और जो केवल किस पे होता है, तब होता है जब फ्रॉग लैंड पर सर्वाइव करता है। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पायरेशन में जो है उसकी बॉडी के 2 पार्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि रेस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? बक्कल कैविटी और लंग्स। ठीक है, लंग्स कैसे होते हैं? लंग्स जो होते हैं फ्रॉग के अंदर इलोंगेटेड होते हैं और वन पेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों ने लीवर पढ़ा है ना, लीवर का जो स्ट्रक्चर है, मैं इसी में बता देती हूँ, समझा देती हूँ, अलग से बताने की या स्ट्रक्चर की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जो है कुछ थैली लाइक, कुछ बैग लाइक जो है स्ट्रक्चर्स लटके रहते हैं, वन पेयर होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? लंग्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर होता है ना, लंग्स का काम क्या होता है? O2 को खींचना और CO2 को बाहर निकालना। तो ये उसी तरीके से जो लंग हैं वो वर्क करते हैं इनसाइड दी फ्रॉग, क्या करते हैं, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, मतलब O2 को लेते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मतलब CO2 को छोड़ते हैं। बस याद आप लोगों को ये रखना है, क्योंकि ये लैंड पर हो रहा है तो ये हर केस में, चाहे बक्कल कैविटी की सहायता से इसके अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो चाहे लंग्स की सहायता से हो, दोनों ही केस में ये एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल O2 को जो है रेस्पायरेशन में यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो O2 है उसकी एंट्री कहाँ से होगी? अरे खुद सोचो भाई, तुम्हारे अंदर O2 तुम किससे लेते हो? अपनी नाक से लेते हो या नहीं लेते हो? तो हमने इसके हेड वाले रीजन में पढ़ा था ना कि 1 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये O2 कहाँ से ली जाती है? ये O2 कहाँ से ली जाती है? थ्रू देयर नोस्ट्रिल। ठीक है, ये O2 है, नोस्ट्रिल की सहायता से क्या है, क्या कह लेते हैं, रिसीव कर ली जाएगी फ्रॉग के अंदर। फिर वो चाहे बक्कल कैविटी से होती हुई जाए, बक्कल कैविटी से जाएगी तो बक्कल कैविटी की जो वॉल होती हैं वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और उसी के द्वारा CO2 एग्जिट कर दी जाती है। लेकिन यदि लंग्स में जाएगी तो लंग्स में जाने के बाद जो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है उसके बॉडी पार्ट्स से, और फिर O2 जो है डिजॉल्व कर दी जाती है उसके बॉडी पार्ट्स में। और लंग्स से नोस्ट्रिल जो है O2 जो है नोस्ट्रिल की सहायता से ही लंग्स में एंट्री करती है, और CO2 जो है नोस्ट्रिल की सहायता से ही लंग्स से जो है बाहर एग्जिट करती है। तो मतलब सिंपल सा रेस्पिरेशन होता है किसके अंदर? मेंढक के अंदर, पल्मोनरी, और आपका कौन सा होता है? क्यूटेनियस टाइप के रेस्पायरेशन में जो है वो अपनी स्किन से रेस्पायरेशन करती है। उस टाइप के रेस्पायरेशन में कोई भी उसका बॉडी ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, चाहे वो लैंड में सर्वाइव करे चाहे वो वाटर में सर्वाइव करे।
लेकिन यदि हम बात करते हैं पल्मोनरी की, तो पल्मोनरी की केस में वो बकल कैविटी की सहायता से भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि बकल कैविटी की जो मतलब उसकी बॉडी वॉल होती है वो बहुत ही क्या कहते हैं मेम्ब्रेनस होती है, तो ईजिली वो O2 को एब्जॉर्ब कर सकती है, एनवायरमेंटल O2 को, और बॉडी में जो CO2 बनेगी वो ईजिली उसे एग्जिट कर सकती है। लेकिन यदि लंग्स की सहायता से रेस्पिरेशन हो रहा है तो नोस्ट्रिल की सहायता से जो O2 है वो एंट्री करेगी, लंग्स में जाएगी, और लंग्स में जो बॉडी पार्ट्स से CO2 एब्जॉर्ब की हुई होगी वो से होती बॉडी के बाहर एग्जिट कर दी जाएगी। मतलब और खास इसके अंदर जो है वेल डेवलप ऑर्गन्स नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो सिंपल सी बात है, ये था इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, हाँ एक चीज़ और देखिए, जो क्या कहते हैं लंग्स है, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रहा है लंग्स के थ्रू है, O2 एंट्री कर रही है और CO2 एग्जिट हो रही है, तो जो बॉडी में जो इसका क्या कहते हैं फैलती है, जो O2 फैलती है और जो CO2 क्या है मतलब रिसीव की जाती है इनसाइड दी लंग्स, वो होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की सहायता से, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं किसकी तरह हो रहा है, बिल्कुल ह्यूमन विंग की तरह हो रहा है, हमारे भी ना लंग्स हेल्प करते हैं O2 को रिसीव करने में और CO2 को एग्जिट करने में, लेकिन हमारी बॉडी में O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है, तो फ्रॉग में भी जो O2 एब्जॉर्ब कर ली जाएगी थ्रू द नोस्ट्रिल एंड लंग्स, वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू ही क्या है ट्रांसफर कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, और CO2 का जो है CO2 को भी ब्लड के थ्रू ही क्या लंग्स तक लाया जाता है, और लंग्स से होता हुआ और नोस्ट्रिल से होता हुआ CO2 बाहर एग्जिट हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि पल्मोनरी में पल्मोनरी टाइप के रेस्पिरेशन में O2 और CO2 का आना और जाना है, O2 का आना और CO2 का जाना, ठीक है, CO2 का जाना, ये दोनों ही चीज़ जो होती हैं, ये दोनों ही चीज़ जो होती हैं किसकी सहायता से होती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की सहायता से होती हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की सहायता से होती है, जो क्या होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ब्लड, ठीक। लेकिन यदि हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हम बात करते हैं, क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व O2 को क्या है एब्जॉर्ब करती है स्किन के द्वारा, जो स्किन है पार्टिसिपेट करती है, तो ये होता है किसके द्वारा, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा होगा, लेकिन इसमें गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होगा वो ब्लड के थ्रू होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो and best of luck.